हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ लीगल नोटिस के बारे में। दोस्तों आज से करीबन 3 महीने पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने लीगल नोटिस के बारे में बताया था कि कैसे मेरे पास लीगल नोटिस आया, क्या क्या मेरे साथ हुआ था, वो सारी बातें मैंने उस वीडियो पे बताई थी। काफी लोगों को उसमें हेल्प भी मिली, तो करीबन करीबन उस वीडियो को जो है 1 लाख लोगों ने देखा भी। उसी में ही काफी सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सर, अगर हमारे पास मेल के थ्रू या बाय पोस्ट अगर लीगल नोटिस आता है, अगर हम अपने पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, या उस लीगल नोटिस का क्या आंसर दूं मैं। मतलब वो लीगल नोटिस जो मेरे पास आया हुआ है, या बाय मेल आया या बाय पोस्ट आ रखा है, तो उसका क्या रिवर्ट मेरे को करना चाहिए। तो वही आज मैं आपको बताने वाला हूं कि एक्चुअल आपको क्या करना है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों यहां पर सबसे पहली बात है कि मेरे को करीबन वीडियोस बनाते हुए जो है 1 साल हो चुके हैं, और इसी दौरान मेरे को काफी लोग आए जो मेरे को लीगल नोटिस से लेके सेटलमेंट लेटर तक, मतलब रिकवरी एजेंट से लेकर हर तरीके के मतलब सवाल जवाब मेरे से पूछे गए। और काफी लोग जो है अभी तक मेरे पास कांटेक्ट में है, जो 8 महीने से, 7 महीनों से, 6 महीनों से। मैं उन्हीं का ही जो फीडबैक है, या उन्हीं लोगों के जो बीते हुए जो दिन थे उस टाइम में, जो खराब टाइम थे कि जब वो पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, उनके पास भी जो है एक तरीके से लीगल नोटिस आया, सेटलमेंट लेटर कि उन्होंने काफी लोगों के पास आया, सेटलमेंट उन्होंने कराया जब, लेकिन एक्चुअल में जब लीगल नोटिस आता है तब उन्होंने क्या किया, तो वही आज मैं आपको बताने वाला हूं, ताकि आपको इस वीडियो देखने के बाद थोड़ा जो सर का बर्डन है वो कम हो। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटो ये नहीं है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप ये सोचे कि यार इसको तो पेमेंट ही नहीं करना चाहिए, या पेमेंट नहीं करेंगे तो इससे तो कुछ होगा ही नहीं। लेकिन एक्चुअल में देखा जाए दोस्तों, अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि आपको फ्यूचर में लोन लेने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां पर आपको पेमेंट आप दे रहे थे टाइमली, लेकिन एक टाइम ऐसा आ गया जहां पर आप बैंक को पेमेंट नहीं दे पा रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो या पर्सनल लोन का हो। दोस्तों यहां पर मैं सिर्फ दो चीजों का जिक्र कर रहा हूं, पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड का। अगर आपके पास लीगल नोटिस आता है तो उस केस में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कुछ भी ना करें, ना ही उस पर रिवर्ट करें, और ना ही जो उसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है उस पर कॉल बिल्कुल ही ना करें। मतलब एक तरीके से अगर आपके पास कोई लीगल नोटिस आ रखा है, बाय मेल आ रखा है या बाय पोस्ट आ रखा है, तो सिंपली जो है आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ वेट एंड वॉच कीजिए। आप ये देखते रहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। काफी लोग जो सबसे ज्यादा लोग हैं वो डरते हैं, सबसे पहले तो बहुत डर जाते हैं कि यार लीगल नोटिस आ गया मेरे पास, अब मेरे को जेल हो जाएगी, अब मेरे को कोर्ट जाना पड़ेगा, या मेरे को इस वकील से बात करनी होगी। तो दोस्तों ऐसा नहीं है एक्चुअल में देखा जाए। अगर आपके पास पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का अगर लीगल नोटिस आता है तो आप वेट कीजिए, आप उस पर रिवर्ट या उस पर रिप्लाई मत दीजिए, आप वेट कीजिए कि एक्चुअल में बैंक की तरफ से, या जो रिकवरी एजेंट जो मेरे पास आ रहे हैं, या जो कॉल्स आ रही है, वो मेरे को क्या रिवर्ट दे रहे हैं। काफी लोगों को मैंने देखा है, काफी लोगों के पास लीगल नोटिस आया, उनका आज तक उन्होंने कोई रिवर्ट नहीं किया, लेकिन आज उनका सेटलमेंट हो गया। पहली बात, सबसे ज्यादा लोग जो है वो घबरा जाते हैं ये सोच के कि अब मेरे पास लीगल नोटिस आ रखा है, अब मैं क्या करूं। या तो आप हमारे जैसा किसी लोगों का वीडियो देखेंगे वो और डराएंगे, लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बोलना चाहता हूं कि अगर आपके पास कोई लीगल नोटिस आता है और आप ये डरे हुए हैं कि एक्चुअल में क्या होगा, तो मैं आपको बोलूंगा कि कुछ नहीं होगा, आप जो है थोड़ा और वेट कीजिए, बैंक की तरफ से कॉल आने दीजिए। लीगल नोटिस में जो भी नंबर है या एड्रेस है, वहां पर आप बिल्कुल ही ना जाएं, आपको पता चलेगा कि वहां पर जाने के बाद कुछ हुआ ही नहीं। वो जो एड्रेस होते हैं या जो भी आपको बोला जाता है कि इस चैम्बर में आना, कभी कभी तो मैसेज के थ्रू आ जाता है, तो कहीं ना जाए, ना ही उसका रिवर्ट करें, वेट कीजिए। आपके पास खुद जो है कॉल आएगा कि सर आपने इसका पेमेंट नहीं किया, आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, जब बैंक को लगता है कि रिकवरी एजेंट भेज दिए, कॉल करवा दिए, लीगल नोटिस भेज दिया, धमकी वाले फोन भी करवा दिए, पेमेंट नहीं आ रही है, तो लास्ट लास्ट जो है सेटलमेंट का ही बैंक आपको ऑप्शन देती है कि सर आप सेटलमेंट करा लो, चलो 1 लाख रुपए नहीं पे कर पा रहे, आप 70,000 में सेटलमेंट करा लो, 50,000 में सेटलमेंट करा लो। तो लास्ट टू लास्ट जो है दोस्तों यहां पर सेटलमेंट का ही ऑप्शन आपको बैंक देती है। लीगल नोटिस आते ही हम लोग सबसे पहले तो इतना घबरा जाते हैं कि क्या करें। कभी कभी जो है हम लोग क्या करते हैं कि इधर उधर से नहीं करके तो अरेंजमेंट करने लग जाते हैं पैसे का। ये जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं कि दोस्तों अरेंजमेंट करना ही खराब है, लेकिन जो लोग डर जाते हैं कि आप मेरे को यहां पर है, मेरे को जेल जाना पड़ेगा, इस कोर्ट में जाना पड़ेगा, मैं क्या करूं, तो यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, ना ही आपको कोई कोर्ट में जाना है, ना ही आपको कोई जेल लेके जाएगा। आप वेट कीजिए, उस लीगल नोटिस पे कोई भी रिप्लाई मत कीजिए, ना ही आपके पास अगर कोई मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू बोलता है इस नंबर पे कांटेक्ट करो, तो बिल्कुल ना करें, बस वेट कीजिए दोस्तों, लास्ट टू लास्ट जो है आपका लोन का जो है सेटलमेंट ही होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उस केस में मेरे इंस्टाग्राम आईडी है, आप वहां पर आइए, मैं आपको उसका जो है आंसर दूंगा। ठीक है दोस्तों।